नाउ सी, प्रेशर की बात करते हैं। सेकंड जो मेजर हमारी जो चीज हमने चेंज करनी है, प्रॉपर्टी चेंज करनी है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस तरफ होगा, जिसके कारण वो है प्रेशर। पहले तो रूल देख लेते हैं। रूल इज इफ वी इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर को अगर मैंने इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द डायरेक्शन विच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स। इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? जिस डायरेक्शन में कम नंबर ऑफ मोल्स है, जिस साइड पे। मेरे पास दो साइड्स होती हैं, रिएक्टेंट्स गिव्स प्रोडक्ट्स। अब जिसके पास कम वैल्यू होगी मोल्स की, इक्विलिब्रियम शिफ्ट उसके पास चला जाएगा, ठीक है, उसकी तरफ चला जाएगा। इफ वी आर इंक्रीजिंग दी प्रेशर, इंक्रीजिंग दी प्रेशर कंडीशन, फिर याद रख लो, इंक्रीज करना है प्रेशर को, फिर डायरेक्शन क्या होगी इक्विलिब्रियम शिफ्ट की? टू द नंबर ऑफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे N2O4 गिव्स 2NO2, यहां पे कितने हैं? 1, यहां पे कितने हैं? 2, ठीक है। सो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड्स, बैकवर्ड्स क्यों? क्योंकि 1 ये लेसर नंबर ऑफ मोल्स है। इससे और भी क्या चीज डिराइव हो रही है कि प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी लेसर, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो लेस हो गई। आई थिंक क्लियर है ट्रिक। बहुत इजी ट्रिक थी कि जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। कब होगा? जब वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। इस साइड पे एक था, इस साइड पे टू, इस साइड बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। रूल वही रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, हेबर्स प्रोसेस को देखते हैं। चलो, N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया NH3, बैलेंस कर देते हैं, 2NH3, यहां पे आ गया 3 और यहां पे आ गया 2, ये पहले ही बैलेंस हो गई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनेमिक प्रोसेस। अच्छा, अब मेरे पास इस साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? ऑन रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1 + 3 4, यहां पे 2, 2। कम किस साइड पे है? इस साइड पे, ठीक है। नाउ इफ वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, इफ वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा? अंडू करना चाहेगा, जो भी चेंज हो रही है उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना चाहेगा, अंडू करना चाहेगा चेंज को। सो अंडू करने के लिए वो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा। इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग विल बी टुवर्ड्स, इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग विल बी टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉरी 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 फॉरवर्ड डायरेक्शन, शिफ्टिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों आया फॉरवर्ड? क्योंकि लेसर नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पे है? इस साइड पे है ना, लेसर नंबर ऑफ मोल्स किस साइड पे है? दिस, सी दिस, 2NH3 है और इधर 4 है, ठीक है, इधर 2 है। सो लेस किस साइड पे? इस साइड पे। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बट केस कौन सा है फिर बता दूं? केस इज प्रेशर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने पे ये कंसिडर करना है, ठीक है। ट्रिक हो जाएगी लर्न अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए। IIT मेंस, JEE, ठीक है, और नीट का क्वेश्चन, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, जो अब्रॉड एग्जाम, सैट वगैरह भी, सभी सभी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी केस की।
एग्जाम्पल इज पीसीएल फाइव, ठीक है, पीसीएल फाइव गिव्स, ठीक है, डायनामिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू, ये प्रोसेस है मेरे पास। अच्छा, पहले तो मैं काउंट कर लेता हूं कि मेरे पास अगर मैं इंक्रीज करूंगा प्रेशर, इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज प्रेशर, ठीक है, तो मेरे पास इस साइड पे कितने मोल्स हैं, वन, इस साइड पे कितने हैं, वन प्लस वन, दो हो गए, तो लेसर किस साइड पे है, इस साइड पे, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, अंडू करने की कोशिश करेगा, अंडू हो रहा है ट्राई, तो अंडू ट्राई होने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे वन है और यहां पे टू है, सो इस डायरेक्शन में मूव होगा, सो बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आपके मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे अब से, ठीक है। ले चार्टले प्रिंसिपल हमारे पास, पहले कंसेंट्रेशन की बात की और प्रेशर की बात कर दी है, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम शिफ्ट की डायरेक्शन बतानी होती है, ठीक है, और सिस्टम अपने आप बता रहा है आपको इन ट्रिक्स के साथ, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक और केस आ जाता है, अगर लेट सपोज कि जैसे ये मेरे पास, मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है अपने पास, वो है, हाँ, ये वाली इक्वेशन देखो, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। अब लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस साइड पे हैं, यहां पे नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ये तो बराबर है, बैलेंस इक्वेशन है। सो इस केसेस में इन दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस नो इफेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एज मोल्स आर इक्वल, ठीक है, नो इफेक्ट इन इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग एज मोल्स आर इक्वल, ठीक है जी।